तो दोस्त, ये हमारा दो पी एस एफ है, देख सकते हो। तो एक हो गया जो हमारा ये वाला है, छोटा वाला है, ये 100 MQ है। और वो दूसरा नंबर वो 200 MQ का है, ये वाला 200 MQ का है। तो पार पी एस एफ सेम फंडा है। तो आप एक चीज देखो, जो हमारा इधर एक पाइप इधर हो गया, एक पाइप दो और ऊपर भी दो है, देखते हो चार पाइप हो गया। तो ये जो पाइप है, जो हमारा ए पाइप है, ये हमारा बैक वॉश के लिए रखा हुआ है। जो ए हमारा है, ये क्लियर ऑर्डर आउटलेट। तो फिर से समझाते हैं, जो हमारा ऊपर वाला जो पाइप है, यहाँ पे रॉ वाटर घुसता है, जो ऊपर जो देखा है इधर घुस जाता है। और पी एस एफ में क्या है, मीडिया फिल्टर होता है पानी, इसका फुल फॉर्म है पी एस एफ प्रेशर सील फिल्टर। तो इधर ऊपर से पानी घुस के पानी इधर ऊपर, इधर मीडिया सब कुछ है हमारा, पानी आता है फिर नीचे से फिल्टर होके ये वाला पाइप होके क्लियर ऑर्डर से निकल जाता है हमारा रिजर्वर तरफ। और इसका जो कैपेसिटी है 100 MQ है। तो हमारा कितना पानी आ रहा है ये मेजरमेंट करने के लिए, तो हमारा इधर एक, इसका नाम है रोटामीटर। तो रोटामीटर लगा हुआ है, जो कितना MQ पानी इधर घुस रहा है, तो इसके लिए एक रोटामीटर लगा हुआ है। और ये जो लाइन है, यहाँ पे पानी घुसता है PSF का तरफ, PSF का ऊपर। और ये वाला है आपका ड्रेन लाइन है, जैसे ड्रेन करते हैं, अभी भी पानी है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। पानी है तो ड्रेन देखो, गंदा पानी आ रहा है, ड्रेन लाइन है। ये हो गया आउटलेट, बैक ऑफ के लिए आउटलेट है, आउटलेट पानी है, सेम फंडा है। ये रॉ वाटर इनलेट हो गया आपका, ये जो लाइन है रॉ वाटर इनलेट हो गया, वो वाला लाइन है बैक वॉश के लिए ओवरफ्लो हो गया, ये ड्रिल लाइन हो गया। और इसके लिए भी एक रोटामीटर लगा हुआ है, देख सकते हो ये वाला जो रोटामीटर है, रोटामीटर लगा हुआ है, ये वाला रोटामीटर लगा हुआ है। और सेम और पार जगह पे एक बटरफ्लाई वाल्व हम लोग इंस्टॉल कर दिए, सेम और कुछ नहीं है। जो स्काई ब्लू कलर का जो पाइप देख सकते हो, ये सिर्फ बैक वॉश के लिए देखो दिख रखा है, ब्लू वॉश के लिए, मतलब नीचे से हवा देगा तो बैक वॉश हो जाएगा। तो इसका एक हो गया आपका बैक वॉश के लिए, ये यहाँ पे पानी घुसता है इधर से, और ये वाला जो है, ये वाला क्लियर होके पानी निकल जाता है रिजर्वर की तरफ। और वैसे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है।